माध्यमिक विद्यालय मलपुरा विकास खंड टेन जिला भिंड में आज बच्चों को, जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके घर पर या डाटा की प्रॉब्लम है, डाटा नहीं करवा पाते हैं या सिर्फ पांडवों के बच्चों को, आज हम अपने स्मार्ट क्लास के माध्यम से और ये उनको डिजी लैब सामग्री दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो तैयार हो जाए प्यारे बच्चों देखने के लिए। एक और उदाहरण लेते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 हैंड्स है, यानी 6 मुर्गियां है, तो आप कितने पैर हो गए? हमें मालूम है हर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 पैर है, ठीक है ना। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5वीं मुर्गी के पैर, 6वीं मुर्गी के पैर। तो इसको कैसे करेंगे? या तो हम दो दो करके जोड़े, 2 प्लस 2 हो गया 4, तो इन दोनों कटा दिया, अब 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 6 टाइम्स 2 इज 12, इसको कहते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 12, ठीक है ना। मतलब 2 को हमने 6 बार जोड़ा तो 12 बनता है। तो जैसे एडिशन का प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, चिन्ह होता है क्रॉस, यानी एक्स। 6 क्रॉस 2 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 12। इसका क्या मतलब है? 2 को 6 बार जोड़ा गया तो आएगा 12। 6 प्लस 2 होता तो मतलब 6 प्लस 2 यानी 6। नाउ ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, जब आप कॉपी में करेंगे तो आएगा 20, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। आपर कुल मिलाकर 20 यानी 20 मुर्गियां थी, ठीक है ना। मम्मी मेरा होमवर्क हो गया। दीदी इस दीपावली पर आप हमारे घर को बहुत अच्छे से अच्छे पैटर्न का उपयोग करके हमारे घर की सजावट कैसे कर सकते हैं के लिए लाल और पीले फूलों की माला बनाएंगे। मम्मी ये तो हुआ आपका पैटर्न। आप बनाने के लिए कैसा पैटर्न बनाओगी? मैं माला बनाने के लिए एक पीला फूल, 3 लाल फूल, फिर एक पीला फूल, 3 लाल फूल, ऐसे पैटर्न से फूलों की माला बनाऊंगी। अलवा शाबाश विनी, तुम्हारे पैटर्न से तो बहुत ही सुंदर माला बनी।